आपको आज हम बहुत अच्छा विषय लेके आए हैं, सोंठ या अदरक। आप जानते हैं अदरक ही को जब सुखा लेते हैं तो उसी का नाम हो जाता है सोंठ। लेकिन आयुर्वेद में सोंठ का बहुत महत्व है और अदरक से कई गुना इसका प्रभाव है। माने अगर हम जब उसको सुखा लेते हैं तो यह सोंठ जो है अदरक से कई गुना प्रभावकारी है। तो अदरक भी लाभ करती है, सोंठ भी लाभ करता है, लेकिन सोंठ की तुलना में अदरक बहुत कम लाभ करती है और सोंठ बहुत लाभकारी है। भाई देखते हैं कि क्या क्या इसका प्रयोग है। चूँकि ये है जमीन के अंदर पैदा होता है तो, और एक छोटा सा पौधा होता है जिसे हम अदरक निकालते हैं, जिसे अदरक मिलता है, और इसका सेवन असम वगैरह में बहुत ज़्यादा इसकी पैदावार होती है। तो इसके प्रयोग से बहुत ही लाभ है। तो कौन कौन से लाभ हैं आइए देखते हैं। पहला लाभ है, अगर कहीं भी आपके दर्द हो रहा है तो जैसे हम पेन किलर लेते हैं तो ये आयुर्वेदिक पेन किलर है। जितना अधिक मात्रा में सोंठ का सेवन करेंगे, कहीं भी गठिया है और सामान्य रूप से सिर दर्द है, बदन दर्द है, कुछ भी हो रहा है, तो आप सोंठ का चूर्ण बना कर रख लें और उसको गुड़ के साथ, चाय के साथ, गुनगुने पानी के साथ लेते रहें, आपके दर्द को कम करेगा। और रक्त शोधक है, सोंठ का बहुत बड़ा गुण है हमारे ब्लड प्योरीफाइड करना, खून की अशुद्धियों को दूर करना। इस प्रकार से ब्लड प्रेशर वगैरह की भी अच्छा करता है। और वात की बीमारी है, आपको गठिया हो गया और इसके अलावा ब्लड प्रेशर है अथवा शुगर की बीमारी हो गई, इसमें भी सोंठ का बहुत अच्छा प्रयोग है। अगर आपको खांसी आ रही, कफ हो रहा है, तो इसमें भी कफ को निकाल देगा, सर्दी जुकाम होगा उसको दूर कर देगा, तो इस मामले में बहुत अच्छा है। उसको काला नमक के साथ लेने से पाचन बहुत अच्छा होता है और भोजन को भी, आपके मन को भी अच्छा करेगा, तो इस मामले में इसका बहुत ही अच्छा है। और आपके जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, ये सब सारे स्लिप डिस्क हो गया है, तो इसमें भी आप इसका चूर्ण बना लें और इसके चूर्ण को आप हल्दी या त्रिफला के साथ लेने से बहुत ही लाभकारी स्लिप डिस्क वगैरह में। और कहीं भी दर्द हो रहा है, वात रोग आपको है, संधियों में सूजन आ जाए, उसमें भी इसका बहुत ही रोल है। अगर आपके तंत्रिका तंत्र सिस्टम में खराबी आ जाए अथवा फालिज जिसको कहते हैं, उसमें भी इसका बहुत अच्छा रोल है। और अगर आपको दमा हो जाए तो दमा में भी इसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि क्या है, वह कफ को दूर करता है, इसलिए बहुत ही सुंदर पदार्थ है। अगर आपको खांसी आ रही तो बहुत ही अच्छा है। और वह मर्यादा में तात्पर्य है कि आपके आयु को बढ़ाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है और रोग प्रतिरोधकारक शक्ति में वृद्धि करने के लिए इसका बहुत बड़ा लाभ है। और एक त्रिकूट चूर्ण बनाया जाता है जिसमें सोंठ, काली मिर्च और पिपली का मिश्रण होता है और जिसको प्रायः दमा के मरीजों के लिए दिया जाता है, तो इसमें बहुत ही अच्छा है। खांसी आ रही है, ये सबको दूर करता है, मतलब फेफड़ों की कमी को दूर करने में ये त्रिकूट चूर्ण का बहुत बड़ा लाभ है। तो इसमें सोंठ मिलाया जाता है। और अगर आपको वायु बनती है, गैस बहुत बनती है, तो भी सोंठ का चूर्ण से क्या होता है, गैस की समस्या दूर होती है। और इसका फाट बनाया जाए तो इसमें वो संधिवात में बहुत लाभ मिलता है। और गला हो जाए, गला आपका बैठ जाए, तो इसको क्या करिए, गिलोय के साथ इसको लीजिए, गिलोय का रस हो, और इसके चूर्ण को लेने से गला बैठने में बहुत आराम मिलता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में तो बहुत ही अच्छा है। और सोंठ का चूर्ण के लिए अगर सिर दर्द हो रहा है, इसके माथे पर लेप करने से एक बहुत अच्छा होता है, दर्द को ये दूर करता है। और अगर बवासीर हो जाए तो चिरायता मिलाकर इसको पिलाएं, गन्ने का रस हो और चिरायता हो और सोंठ का चूर्ण लेने से बहुत ही लाभ होता है। क्योंकि अदरक का पाक भी बनाया जाता है, अगर अदरक का पाक लिया जाए, सोंठ का पाक, तो भी ये क्या है, खांसी को दूर करने में बहुत बड़ा लाभ करता है। इस प्रकार से आपने देखा कि ये हमारी बहुत ही दिव्य जड़ी बूटी है और इसको आप सुने और सब दोस्तों को शेयर करें। अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको नमस्कार।